अलीगढ़ एमयू शताब्दी समारोह कार्यक्रम में 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन संबोधित किए जाने के कार्यक्रम को लेकर एएमयू में तैयारियां जोरों पर है। एएमयू प्रशासन के द्वारा कैंपस को सजाना शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर छात्र नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। छात्र नेता काले झंडे दिखाने का ऐलान भी कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन संबोधित किए जाने के कार्यक्रम को लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम में चार चांद लगाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसको लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा कैंपस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं छात्र नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाए जाने का ऐलान किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें वह वर्चुअल संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। छात्रों का कहना है कि गुजरात में हुए मुसलमानों के कत्लेआम का खून का दाग नरेंद्र मोदी के दामन पर हमेशा रहेगा। नरेंद्र मोदी का दामन मुसलमानों के खून से रंगा हुआ है। मोदी की मौजूदगी किसी भी तरह से एएमयू में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कुलपति उनको बुलाकर उनका फायदा उठाना चाहते हैं, तो वह अपने आवास पर उनको बुला लें। वह अपने हितों के लिए ऐसे आदमी का ऑनलाइन कार्यक्रम करना चाहते हैं जो मुसलमानों का हितैषी नहीं है। इस कार्यक्रम का हम काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। हमारे कुलपति जी ने एक लेटर लिखा था, उसके लिए शायद उन्होंने सहमति भी बना दी आने के लिए, तो इसमें उत्तर यूनिवर्सिटी का कोई कहीं ना कहीं फायदा हो। लेकिन अगर हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो गुजरात का मामला दंगा रहा हो, या बाबरी मस्जिद का फैसला रहा हो, या ट्रिपल तलाक का कानून रहा हो, या 370 का मामला रहा हो, या हाल ही फिलहाल में अभी CNRC का जो मामला होकर चुका है, या दिल्ली दंगा उसके अंदर हो चुका है, तो कहीं ना, और मॉब लिंचिंग भी तमाम हुई है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि मोदी दोस्त ऐसा ना कि हम तो अपनी मतलब से बाहें खोल के खड़े हुए हैं कि मोदी जी का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्ती का हाथ दोनों तरफ से बढ़ाया जाता है। अगर दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया तो दोस्ती का हाथ मोदी जी भी बढ़ाए। यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले हमारा माइनॉरिटी करेक्टर है। जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों को नरसंहार कराया, जिन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार किए, जिन्होंने मुसलमानों की औलाद को कोख में ही मार दिया, जिन्होंने औरतों के हमल चीर चीर के बच्चों को काट दिया, जिन्होंने मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की, जिन्होंने किसान दलित अल्पसंख्यक पर अत्याचार करे, और जिनकी सरकार की बुनियाद ही मुसलमानों के खून पर रखी हुई है, क्या उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्वीकार करेगी? कभी नहीं करेगी। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, किस डेट में हो रहा है, कौन शामिल हो रहा है? सेंटिनरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चल रहा है। 100 साल जश्न है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में। और हम बहुत अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ये चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में, और इनके साथ शिरकत करेंगे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, और ये वाया वीडियो लिंक होगा, और दिसंबर 22 को ये इसमें इनकी शिरकत होगी प्रोग्राम में। और मैं आपको बताता चलूंगा यहां पर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जश्न जो है, वेरियस प्रोग्राम्स शुरू से चल रहे हैं, और पैंडेमिक जो है, ये COVID-19 पैंडेमिक जो चल रहा है, उसके जो गवर्नमेंट के एडवाइजरीज हैं और प्रोटोकॉल जो हैं, उसको पूरा फॉलो करते हुए हम मना रहे हैं। पूरा एएमयू फ्रेटर्निटी अपने अपने तरीके से और अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से ये जश्न मना रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना का 100 वर्ष मना रही है। 1920 में 17 दिसंबर को यूनिवर्सिटी के सिले फंक्शन हुआ था, तो उसी कड़ी के तौर पर वाइस चांसलर साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से उन्होंने संपर्क किया, और 22 तारीख को ऑनलाइन जो हमारा समारोह है उसको संबोधित करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमोमरेटिव स्टैम्प, एक यादगारी टिकट भी जारी किया है, जिसका प्रधानमंत्री जी विमोचन करेंगे। तो उनके इस तरह के यहाँ आके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे उनका जो संबंध होगा और जो इंटरेक्शन होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात होगी, तो एक बार फिर से हम लोग जो है
प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यूनिवर्सिटी फैकल्टी जो है उनको सुनने के लिए और प्रधानमंत्री से अपना एक इस्टेब्लिश करने के लिए और हमारे कमोमरेशन सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरह से हों उसके लिए ज़रूरी है कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं भारत के राष्ट्रपति से भी बात हुई है वाइस चांसलर साहब की, तो ये दोनों लोग आके हमारी जो एक बहुत बहुत ही अच्छी उच्च शिक्षा की संस्था है उसके लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और एजुकेशन मिनिस्टर और इस तरह के अनगणमान लोग जो है हमारे सेलिब्रेशंस में शामिल हो रहे हैं। कोई विरोध भी हो रहा है? नहीं, यूनिवर्सिटी का कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो सब लोग इसको वेलकम कर रहे हैं कि सेलिब्रेशंस जो होते हैं यूनिवर्सिटी सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का 100 साल का सफर है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने इतना सफर तय किया। इस बीच में हमारे दो भारत रत्न अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दो लोगों को भारत यहाँ के जो छात्र थे उनको भारत रत्न मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन को और जो बादशाह खाते सर। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।